मानवी इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग, धुएं का छाया अंबार। विद्युत ट्रांसफार्मर बनाने वाली इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग। शिवपुरी शहर के बायपास स्थित नक्षत्र गार्डन के पास मानवी इंडस्ट्रीज में अचानक भीषण आग लग गई। मानवी इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग से आसमान में धुएं का अंबार छा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की जुगत में लगी हुई हैं। जानकारी के अनुसार इस इंडस्ट्रीज में बिजली की ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। संभवतः ट्रांसफार्मर में डालने वाले तेल बड़ी मात्रा में वहां पर रखा होगा, जिसके चलते जो आग के संपर्क में आ गया और इसके चलते आग फैल गई। आग शॉर्ट सर्किट लाइट की, शॉर्ट सर्किट। और इसमें कितना क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी जोड़ के बताएंगे, अभी तो पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। आपका कितना मामला लगा होगा इसमें? अब माल का कोई आइडिया नहीं है मुझे, 5-7 लाख 10 लाख रुपए, कोई आइडिया नहीं। क्या मतलब क्या बनाती है ये? अपना बनाती कुछ नहीं है भैया, सिर्फ गोदाम था मेरा। अच्छा, गोदाम। इसकी परमिशन भी आपके पास होगी कि आप ये रिहायशी इलाके में ये चीज़ आप इंडस्ट्री जो कर रहे हैं, इसकी परमिशन वगैरह कुछ है? परमिशन है ना, कॉमर्शियल कनेक्शन लिए थे अपन ने। अच्छा अच्छा, परमिशन है अपने पास, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब है। ये एक डीपी बनाने का कोई कारखाना था और इसमें डीपी सुधारी भी जाती थी, तो अचानक यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आग के लपटे उड़ती हुई दिखी। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाकर उसको बुझवाने का प्रयास किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने और पुलिस ने सबने आपसी समन्वय से उस पर अभी आग पर काबू पा लिया है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में भी पूरी तरह से आग को काबू पा लिया जाएगा। सर, क्या कुछ कारण हो सकता है ये आग लगने का? अब वह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, चूँकि अंदर तो अभी आग की लपटें थी अभी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने किसी को अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन मुझे जैसे प्राथमिक जानकारी मिली वही है कि यहाँ पर डीपी बनाने का काम चल रहा था और वहाँ पर डीजल वगैरह या जो भी ज्वलनशील पदार्थ था उसमें अचानक आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके कारण से आग लग गई। अब वास्तविक स्थिति क्या है तो बाद में पता चला।